होली। दोस्तों, होली का त्योहार मतलब रंग बिरंगे चेहरे और गुलाल और रंगों की बौछार। पर क्या हो अगर ऐसे में रंग में भंग पड़ जाए। ये कहानी है उस न्यूली मैरिड जोड़े भूमिका और अर्जुन की, जो अभी अपनी नई नई शादी करके शिफ्ट होते हैं नोएडा की एक सोसाइटी में, जहाँ से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। पर उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या अनहोनी घटने वाली थी। जानने के लिए देखते हैं खूनी रंग का पहला भाग। भूमिका और अर्जुन अपनी शादी के कुछ दिनों के बाद अपनी जॉब को रीजॉइन करने और नोएडा शिफ्ट करने की डिस्कशन और पैकिंग में लगे हुए थे। अर्जुन, हम सारी चीजें मैनेज कैसे करेंगे? मतलब हाँ, हम ऑलरेडी रह रहे हैं नोएडा में, बट स्टिल मुझे टेंशन हो रही है कि कैसे अब मैं बिल्कुल न्यू लाइफ जीने वाली हूँ। सब कुछ नया होगा, घर, पड़ोसी, इनफैक्ट हमारा किचन भी। पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा सब कुछ सही से सेटल करने में। दोगे ना आप मेरा साथ? हाँ जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे बात कुछ भी हो। बस आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना और हमेशा इसी तरह से खुश रहना। बिल्कुल, अब जल्दी जल्दी ये लास्ट बचे बैग भी पैक करते हैं, क्योंकि कल की कल ही हमें निकलना है और कल का पूरा दिन इसी चीज में निकल जाएगा हमारा। जी मैम साहिब। दोनों यूं ही बात करते हुए अपने काम में लग जाते हैं। अगली सुबह दोनों देहरादून से नोएडा जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ 5 घंटे बाद वो आखिरकार अपनी सोसाइटी पहुंच ही जाते हैं। अर्जुन और भूमिका अपना सारा सामान अनपैक करवा के रेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। कौन हो सकता है? अभी तो हमें यहाँ कोई जानता भी नहीं है। कहीं डिश वाला आज ही तो नहीं आ गया डिश इंस्टॉल करने? ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्लियरली उसे संडे को बुलाया था, देखता हूँ कौन है। भूमिका हाँ में सर हिलाती है और अर्जुन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा होता है कुर्ते पजामे में। वो मुस्कुराता है और अपना परिचय देता है। हाँ जी, आप कौन? नमस्ते बेटा, हम आपके पड़ोसी, आपके सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। मेरा नाम प्रभात वर्मा है और ये हमारी पत्नी है शारदा वर्मा। हमने देखा कि आज आप लोग शिफ्ट हुए हैं, पूछने आ गए कहीं कोई जरूरत हो तो। हम आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहते हैं, तो बता सकते हैं आप? अरे अंकल, अंदर आइए, हम बस अभी आए ही थे, हमें पता नहीं था कि कोई आएगा भी मदद करने के लिए। मैं अर्जुन और ये मेरी वाइफ भूमिका। सभी एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और प्रभात और शारदा अंदर आते हैं और सब सोफे पर बैठते हैं। अच्छा अच्छा, तो बेटा आप यहाँ नए हो? नहीं अंकल, हम तो शादी के पहले दिल्ली में ही रहते थे। मैं रोहिणी में रहता था और भूमिका तो अपनी फैमिली के साथ बसंत विहार में रहती थी। हमारी अरेंज मैरिज है तो बस शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब शारदा अभी इन्होंने अपनी गृहस्थी शुरू ही की है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, सारे हंसते हैं। अरे भूमिका, तुम अंकल और आंटी के लिए चाय तो बनाओ। अर्जुन भूमिका को चाय बनाने को बोलता है, पर भूमिका अर्जुन के तरफ गुस्से से देखती है और हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि अभी उनका किचन सेटअप नहीं हुआ होता है। हाँ हाँ, अभी लाई। अरे नहीं बेटा, अभी तो हम बस मिलने आए थे और ये भी बताने आए थे कि आज रात का खाना हमारे यहाँ ही खाना है आप लोगों को। हमें खुशी है कि हमारे सामने वाले फ्लैट में आप लोग रहने आए हैं, नहीं तो आजकल सोसाइटीज में लोग अपने में ही मतलब रखते हैं। फिर भी अंकल, कुछ तो लीजिए, चाय या कॉफी? अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे भी अभी तो तुम आए ही हो, अभी कहाँ तुम इन चक्करों में पड़ रहे हो। आराम से सब सेटल करो और आज खाने पर भी आ जाना, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। भूमिका राहत की सांस लेती है और थोड़ी बातचीत के बाद प्रभात और शारदा अपने फ्लैट पे चले जाते हैं। भूमिका अर्जुन से चाय वाली बात पर अभी भी नाराज होती है, तब अर्जुन उसे उसके गुस्से की वजह पूछता है। कितने सही लोग हैं, कितने अच्छे से बात की, इनवाइट किया है ना भूमिका, अब तुम्हें क्या हुआ, मुंह क्यों फुला रखा है इस तरह।
और क्या करूं? जब आपको पता था कि किचन अभी सेटअप नहीं है तो मुझे क्यों मैरिज किया चाय के लिए? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? अरे तो क्या हुआ, पहली बार आए थे तो पूछना तो बनता था। खैर वो सब छोड़ो, चलो सॉरी, अपना मूड ठीक करो। भूमिका मान जाती है और फिर दोनों शाम डिनर पर जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। तो क्या हुआ अर्जुन और भूमिका के साथ प्रभात वर्मा के घर? आखिर कौन थे ये लोग और इन्होंने किस मकसद से उन दोनों को अपने घर बुलाया था? जानने के लिए देखते रहिए खूनी रंग। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू हॉरर एक्सपीरियंस।